दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको कनेक्ट करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास ये मेरा मोबाइल है, मैं अपने इस मोबाइल से अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों कैसे आपको कनेक्ट करना मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का जो है इंटरनेट ऑन करना है। मोबाइल का डाटा ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने मोबाइल का जो है हॉटस्पॉट भी ऑन कर देना है। मोबाइल का इंटरनेट और हॉटस्पॉट दोनों ऑन कर देना है। इसके बाद अब आपको अपने मोबाइल में कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल को इधर साइड में रख देना है। मोबाइल को साइड में रखने के बाद अब आपको अपने लैपटॉप का वाईफाई ऑन करके अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपने लैपटॉप का वाईफाई ऑन करके अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं अपने कैमरे को अपने लैपटॉप के स्क्रीन के पास में ले जाता हूँ ताकि आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे। दोस्तों अभी आपको यहाँ पर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आपको अपने लैपटॉप का वाईफाई ऑन करके अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आपके लैपटॉप के यहाँ पर राइट साइड में नीचे यहाँ पे आपको इंटरनेट का सिंबल दिखाई देगा, यहाँ पर बैटरी का सिंबल होगा, उसके यहाँ पे बगल में आपको इंटरनेट का सिंबल दिखाई देगा। आपको इंटरनेट के सिंबल पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इंटरनेट के सिंबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वाईफाई ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वाईफाई ऑन करेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल का नाम आ जाएगा, आपके लैपटॉप के पास में जिस भी मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन होगा उस मोबाइल का पे नाम आ जाएगा। अब आपको यहां पे मोबाइल के नाम पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहां पे कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पे कनेक्टिंग होने लगेगी, आपको यहां पे थोड़ी देर वेट करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट में पासवर्ड लगा रखा होगा तो यहां पे पासवर्ड मांगेगा, अगर आपने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट में पासवर्ड नहीं लगा रखा होगा तो यहां पे पासवर्ड नहीं मांगेगा, यहां पे आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहां पे अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट में पासवर्ड लगा रखा है और यहां पर देख लीजिए मेरे से यहां पे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। पहले यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पे इंटरनेट का सिंबल दिख रहा था, अभी यहाँ पर देखिए वाईफाई का सिंबल दिख रहा है, यानी कि हमारा लैपटॉप हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करके अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं।